नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके समाचार। मैं हूँ आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देर साथ बने रहिए आपके समाचार पर। खबर दिखेगी सच। कोरोना का प्रकोप, 9 जनवरी को लखनऊ में नहीं होगी पीएम मोदी की रैली। कांग्रेस ने भी रद्द किए कार्यक्रम। भाजपा ने 9 जनवरी को लखनऊ में पहली चुनावी रैली की तैयारी शुरू की थी। रैली में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 2,500 और कुल 10 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य था। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी में 7-8 जनवरी को भारी बरसात और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान 9 जनवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली स्थगित की गई है। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और राजधानी में 7-8 जनवरी को मौसम खराब होने रहने की पूर्व सूचना के आधार पर पार्टी ने मोदी की रैली स्थगित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में आयोजन स्थल पर पानी जमा होना, कीचड़ होने और मंच की व्यवस्थाएं माकूम नहीं होने की आशंका है। साथ ही प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के दौरान पार्टी के नेता इतनी बड़ी संख्या भीड़ नहीं जुटाना चाहते हैं। उधर कांग्रेस हाईकमान के निर्णय लिया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पार्टी मैराथन दौड़ या कोई बड़ी रैली का आयोजन नहीं करेगी। कार्यकर्ता छोटे छोटे आयोजनों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पार्टी की रीति नीति को आम मतदाताओं तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर पर्चा वितरित करेंगे और कांग्रेस की घोषणाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे। कांग्रेस किसी बड़ी रैली का आयोजन नहीं करेगी। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।